हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। शिखर के लिए पीएम मोदी बोले, पिच आपको याद करेगी, आप फिर वापसी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने कहा कि शिखर, आप जल्द ठीक हो जाएंगे, एक बार फिर मैदान पर वापसी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। धवन अंगूठे में चोट के कारण इंग्लैंड एंड वेल्स से जारी विश्व कप में बाहर हो गए हैं। विश्व कप से बाहर होने के बाद धवन का एक ट्वीट आया है। इस ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने रीट्वीट करके लिखा कि प्रिय धवन, इसमें कोई शक नहीं कि पिच आपको याद करेगी। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, एक बार फिर मैदान पर वापसी करेंगे और कई देशों में जीत करके अपना योगदान देंगे। शिखर धवन ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं वर्ल्ड कप पूरा करना चाहता था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं यहां से विदा होकर टीम में लौट जाऊं और ठीक होकर वापस आऊं। टीम के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। वहीं धवन ने पहले टीम मैनेजर से कहा था कि धवन के बाएं हाथ में फ्रैक्चर है। कई विशेषज्ञों की सलाह को माने तो धवन जुलाई के मध्य तक निगरानी में रहेंगे। वह आईसीसी विश्व कप 2019 के बाकी मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बता दें कि धवन को 5 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में पैट कमिंस की गेंद पर अंगूठे से चोट लगने की वजह से बाहर होना पड़ा है। धवन ने मैच में 109 गेंदों पर 117 रनों की पारी खेली थी। बुधवार को बीसीसीआई ने धवन के विश्व कप के बाकी मैच न खेलने की पुष्टि दी थी। आईसीसी से युवा ऋषभ पंत को टीम में शामिल करने की अपील थी, जिसे क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने मान लिया था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।